नमस्कार, मकराना न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी और अब खबरें विस्तार से। खबर कुछ आमन सिटी से है। यहां नगर पालिका अध्यक्ष पद पर दिलचस्प जीत दर्ज करने वाले आसिफ खान और उपाध्यक्ष हिमराज चावला का गुरुवार को कस्बे में न्यू कॉलोनी में स्थित भगत सिंह युद्ध ब्रिगेड के कार्यालय में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष आसिफ खान और उपाध्यक्ष हिमराज चावला का पुष्प वाला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भगत सिंह युद्ध ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष परसाराम बुगाली और नावा तहसील अध्यक्ष टूमराम बिजरानी ने नगर पालिका अध्यक्ष को शहरवासियों की पीड़ा बताई और कहा कि नगर पालिका काफी समय से यहां संचालित है, जिसमें सीवरेज लाइन बिछाने सहित साफ सफाई व शहर में घूम रहे बेसहारा गोवंश की व्यवस्था करवाने की मांग की, जिस पर नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष ने बेसहारा गोवंश की व्यवस्था करवाने का आश्वासन उन्हें दिया। और उन्होंने कहा कि कस्बे के लोगों के साथ ही पार्षदों ने काफी उम्मीदों से मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उन पर जरूर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। हम खुद जनता के समक्ष जाएंगे और जन समस्याओं के समाधान के लिए जन सुनवाई रखेंगे। लायंस क्लब कचामन फोर्ट ने रामानंद चंद्र कुमार वर्मा के सौजन्य से लायंस सेवा सप्ताह के चौथे दिन भूख निवारण हेतु अभियान के तहत जरूरतमंदों को राशन सामग्री पहुंचाने का नेक कार्य किया। क्लब अध्यक्ष लायन राम काबरा, संभागीय सलाहकार लायन पवन जैन, लायन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लायन प्रहलाद रमाकांत ने कच्ची बस्ती के दिव्यांग मोबा देवी एवं मुन्ना लाल के परिवार को आटा, दाल, चावल, चाय, चीनी, घी, तेल, मिर्ची, मसाले से युक्त एक माह की राशन राशि सामग्री पहुंचाकर प्रदान की। राशन सामग्री मिलने पर इन परिवार ने वर्मा परिवार एवं लायंस क्लब कुचामन फोर्ट का दिल से शुक्रिया अदा किया एवं दुआएं दी। लायन राम काबरा ने बताया कि प्रांतीय कार्यक्रम आपकी जरूरत हमारा सहयोग यही देश संदेश देता है कि किसी की जरूरत के अनुसार सहायता एवं सहयोग करना ही लायंस क्लब का मुख्य उद्देश्य है। इसी को देखते हुए लायंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा रामानंद चंद्र कुमार वर्मा के सौजन्य से जरूरतमंदों को राशन सामग्री प्रदान करने का नेक कार्य निरंतर जारी रहेगा। राहुल गांधी 13 फरवरी को नागौर में रहेंगे, इसको लेकर प्रदेश स्तरीय नेताओं ने पर्वतसर में तैयारियों का जायजा लिया। यहां स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, मंत्री अशोक चांदना, लालचंद कटारिया का भी पहुंचने का कार्यक्रम है। इससे पहले अजय माकन भी पर्वतसर पहुंचे थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राजस्थान के प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर जनसभा में ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाने का आह्वान किया। इस दौरान नागौर के प्रभारी हरीश चौधरी, उप सचेतक महेंद्र चौधरी, विधायक राम निवास गावड़ी, रामलाल जाट, विधायक मुकेश भाकर सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी सभा को सफल बनाने का आह्वान किया। मकराना पंचायत समिति के ग्राम भिचावा में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन हुआ। रामनिवास लीलर ने बताया कि फाइनल मैच खजाना व भिचावा के बीच खेला गया। खजाना ने 6 पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवरों में 87 रन बनाए, जवाब में भिचावा ने 54 रन बनाए और खजाना ने 33 रनों से मैच जीत दिया। समारोह के मुख्य अतिथि मकराना उप प्रधानपति भूरा राम डूडी रहे। इस मौके पर भीमा राम राड, रोली सरपंच सुरेंद्र चावा, उप सरपंच भंवरलाल प्रजापत, भिचावा के पूर्व सरपंच मनोहर सिंह, पूर्व उप सरपंच शिवलाल आदि मौजूद रहे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए राजस्व मंत्री व नागौर जिला प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी गुरुवार को दिन भर सभा स्थल पर डटे रहे। उन्होंने अपने निर्देशन में टेंट व सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था एवं सुनिश्चित करवाई। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी व पुलिस अधीक्षक श्वेता धनकर भी मकराना पहुंची। मंत्री चौधरी ने दोनों अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक चर्चा करते हुए दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, राजस्व, खनिज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्होंने भी आवश्यक
दिशा निर्देश दिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एसपी धनखड़ ने पुलिस अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी। कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत ने मंगलाना तिराहा से सभास्थल गोपाल गौशाला तक के मार्ग का निरीक्षण किया एवं सुरक्षा खामियां दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी, एसडीएम रिचपाल सिंह, एसएसपी संजय गुप्ता, सीओ मकराना सुरेश कुमार सांवरिया, सीओ डिडवाना गोमाराम चौधरी, एसडीएम सैयद शिराज अली जैदी आदि मौजूद थे। हमारी इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए मकराना न्यूज़ फ्लैश।